नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल। साथ हम श्रमिक वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करने से कभी डरते भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी आमदनी भी बढ़े। लेकिन साथियों, आमदनी को बढ़ाने के लिए सिर्फ मेहनत ज्यादा करना काफी नहीं है, बल्कि हुनर का होना भी बहुत जरूरी है। और हमारी सरकार इसमें हमारी मदद करती है कई ऐसी योजनाएं चलाकर, जो हम श्रमिकों के हुनर को बढ़ाती है या नया हुनर हमें सिखाती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो आइए जानते हैं इस योजना को विस्तार से अपनी वार्ता में, जिसके वार्ताकार है बनवारी लाल कुशवाहा। भारत सरकार देश की जनता के लिए कई नई नई योजनाएं बनाती रहती है और साथ ही सरकार अपनी योजनाओं में समय समय पर बदलाव भी करती रहती है, ताकि सरकार लोगों की आर्थिक तौर पर मदद कर सके। देश में श्रमिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज भी देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को जीवन यापन करते समय तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर मजदूरों और गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालन करती है, मगर योजनाओं की जानकारी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होने से अधिकांश श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। समाज की मुख्य धारा से वंचित श्रमिक आज भी अभावपूर्ण जिंदगी जीने को मजबूर है। मजदूर भाइयों, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यह पता करें कि उस योजना के लिए आप पात्र हैं या नहीं। अगर आप पात्र हैं तो ये जानें कि उस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा रहा है या ऑफलाइन। इसके साथ ही उस योजना के लिए क्या क्या कागज मांगे जा रहे हैं। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सभी कागजों को तैयार करके रख लें, फिर निर्धारित ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से उस योजना के लिए आवेदन करें। आवेदन सही प्रक्रिया में करें, ताकि आपका आवेदन निरस्त नहीं हो और आपको उस योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक नया तरीका भी निकाला है। आइए जानते हैं वो कौन सा तरीका है, जिसका सीधा फायदा गरीबों और मजदूरों को होगा। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। सरकार के द्वारा यह योजना के लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय के व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर के पास हुनर होना अति आवश्यक है, और यह हुनर कारीगर के पास होता भी है। ऐसे में कई बार कारीगर को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाने की वजह से उसके पास अच्छे हुनर नहीं सीख पाते हैं। इस वजह से ना तो वह सही से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ना ही परिवार के भले एवं ना ही समाज की प्रगति के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा इन सभी कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना PM विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन लाया गया है, जिसके तहत इन सभी कारीगरों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और यदि उनके पास रुपया नहीं है तो उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान निधि योजना आए दिन एक बहुत बड़ी योजना साबित हो सकती है। इसीलिए सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया है। इस योजना के लिए आप संक्षिप्त में देश के लिए विकासशील योजना कहा जा सकता है। PM विश्वकर्मा योजना ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है जो गरीबी में रहते हैं। इसके साथ ही उनके पास कोई काम है, अगर उनके पास कोई कला है जैसे मूर्ति बनाना आदि। इसके जरिए सरकार आने वाले वर्षों में पारंपरिक कौशल वाले लोगों की मदद करेगी। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे और योजना से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि यह योजना कब शुरू हुई और इसके लाभ किन किन लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की तिथि 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत 18 पारंपरिक पेशों से जुड़े कारीगर, जिसमें बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले मोची, राजमिस्त्री, चटाई व झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं। इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों का चयन कर 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। लाभार्थी की पहचान करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एवं आईडी कार्ड भी दिया जाता है, ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके। इस योजना के तहत लोगों को 500 रुपए का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है। प्रशिक्षण के बाद टूल किट की खरीद के लिए 15,000 रुपए और 5% की ब्याज दर पर 2 किस्तों में 3,00,000 रुपए की गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए आवेदक को मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। किसी योजना के तहत आवेदन करने हेतु किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप योजना के संबंध में प्रश्नों के समाधान के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, MSME विकास और सुविधा कार्यालय या जिला उद्योग केंद्रों पर जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक केंद्र और राज्य सरकारों से पिछले 2 साल में टूल किट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त न किया हो। इस योजना के तहत 3,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। पहले चरण में रोजगार के लिए 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में 2,00,000 रुपए तक का लोन मिलता है, जो सिर्फ 5% की ब्याज दर पर मिलेगा। सरकार इस योजना के तहत कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट भी देगी, ताकि शिल्पकार और कारीगरों की आर्थिक सहायता कर उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके और उनकी आय में वृद्धि की जा सके। इस योजना में सरकारी सेवा में कार्यरत लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की क्रेडिट आधारित योजना का लाभ प्राप्त कर रहे उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जिस व्यक्ति ने PMEGP ऋण लिया है, वह इस योजना में भाग नहीं ले सकता है। जिस व्यक्ति पर PM स्वनिधि या मुद्रा लोन बकाया है, वह भी आवेदन नहीं कर सकता है। हालांकि जिन लोगों ने PM स्वनिधि या मुद्रा ऋण चुकाया है, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। केवल आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक और एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हाउ टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लें एवं मांगी गई सभी जानकारी को भरकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से गरीब मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर खुद का रोजगार स्थापित कर सके और आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। बताते चले कि यह योजना बेरोजगारी दर कम करने में सहायता भी करेगी। इसके ही अलावा अन्य कई योजनाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग अपने जीवन स्तर में विशेष सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में आने वाली किसी भी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। समय के साथ सरकार योजनाओं में बदलाव भी करती रहती है, ताकि लोगों को नई योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसमें श्रम विभाग की पूर्ण सहभागिता हो तथा जिसमें जनपद स्तर पर
श्रमिकों के पंजीयन एवं लाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना विषय पर, जिसके वार्ताकार थे बनवारी लाल कुशवाहा। साथियों, हमारी मेहनत और हमारा हुनर आगे कदम बढ़ाने में हमारे साथी हैं। जब हम सब हाथ से हाथ मिला और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम हमारा जीवन तो सुधारेंगे ही, साथ ही अपने आसपास और समाज को भी खुशहाल करेंगे। बिल्कुल अपने इस गीत के बोलों की तरह। साथियों, वक्त है आपसे विदा लेने का। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल और दीजिए अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया को इजाजत। नमस्कार।